हम होम मेकर्स कभी कभी स्ट्रेस फील करने लग जाते हैं, कभी थक जाते हैं तो कभी बोर हो जाते हैं, बट फिर भी हम खुद को एनर्जेटिक एंड तरोताज़ा रखने में बिलीव करते हैं, जिससे अपना घर, बच्चे, किचन सब अच्छे से मैनेज कर पाएं। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आपके साथ अपना प्रोडक्टिव रूटीन एंड हैबिट शेयर करूंगी, जिनसे मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है एंड एक नई एनर्जी और मोटिवेशन भी मिलता है आगे चीज़ों को मैनेज करने के लिए। सो लेट्स बिगिन। सुबह सुबह बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, बट फिर भी हमें ज़रूरत होती है एक बार उनकी चीज़ों को चेक करने की। स्कूल जाने से पहले बैग में टिफ़िन कैसे रखा है, बॉटल कैसे रखी है, बुक्स या नोटबुक कैसे रखी हैं, वो सारी ही चीज़ें मैं एक बार ज़रूर चेक करती हूँ। वैसे तो बस पास में ही आती है और अकेला भी चला जाता है, बट फिर भी मैं जाती हूँ साथ में। इससे हम भी अश्योर हो जाते हैं कि हमारा बच्चा बस के अंदर अच्छे से बैठ गया है और स्कूल भी टाइम से पहुँच जाएगा। रास्ते में जो भी ग्रीनरी है और मॉर्निंग की वाइब्स हैं, उन्हें भी मैं देखती और निहारती जाती हूँ। 5-10 मिनट रुककर ज़रूर इन चीज़ों को देखती हूँ। इससे भी बहुत अच्छा लगता है और मन को काफ़ी शांति भी मिलती है। अब जैसे ही वापस आते हैं बच्चों को छोड़कर, तो सबसे पहले तो मैं अपने लिविंग रूम में देखती हूँ, जो भी चीज़ें सेंटर टेबल पर रखी होती हैं उन्हें वापस से उनके प्लेस पे रखती हूँ। जैसे रिमोट को मैंने ट्रे में रख दिया है और जो भी कीज़ वगैरह यहाँ पे रखी होती हैं उन्हें उठाकर की होल्डर पे लगा देती हूँ। इसके अलावा जो भी किचन से रिलेटेड आइटम होता है उन्हें वापस से किचन में ही रख देती हूँ। अब ये 1-2 सेकेंड या 1-2 मिनट का ही टाइम होता है जिसमें इन चीज़ों को मैनेज करने में हमारा घर काफ़ी अच्छे से नीट लगने लगता है। सुबह जैसे ही मैं उठती हूँ, सबसे पहले अपनी लॉन्ड्री बास्केट को चेक करती हूँ। अगर ज़्यादा कपड़े होते हैं तो मैं मॉर्निंग में ही एक लोड लगा देती हूँ मशीन में, जिससे बाकी के काम जब तक मैं ख़त्म करती हूँ तब तक ये साइकिल भी कंप्लीट हो जाती है और धूप में कपड़ों को फैलाने के बाद ये अच्छे से सूख भी जाते हैं। लेकिन आज मुझे थोड़े से और ज़्यादा कपड़े धोने हैं, क्योंकि सुबह ही मैंने बेडशीट्स को चेंज किया है। जो भी टेबल कवर, स्टूल कवर्स होते हैं उन सबको भी मैंने चेंज कराया है, तो ये कपड़े भी और हो गए हैं, तो उन्हें भी मैं आज तुरंत के तुरंत वॉश होने के लिए दे दूंगी। तो जब तक ये कपड़े धुल रहे हैं, तब तक मैं यहाँ पर जो भी प्लांट्स रखे हुए हैं बालकनी में, यहाँ पर धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा आती है और पानी वगैरह से स्प्रे करने के बाद भी ये इन पत्तों से धूल मिट्टी हटती नहीं है, तो दिखने में काफ़ी गंदे से लगते हैं। सो मैंने सोचा आज इन्हें भी मैं अच्छे से एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से क्लीन कर दूँ, जिससे इनमें शाइनिंग आ जाए और ये चीज़ें भी बहुत कम टाइम में साफ़ सुथरी हो जाती हैं, उसके बाद दिखने में भी अच्छी लगती हैं। क्योंकि ये चीज़ें अगर गंदी होंगी तब भी हमारा घर गंदा ही दिखेगा। इसी टाइम पर बालकनी में जो भी आर्टिफैक्ट्स 1-2 लगे हुए हैं गमलों के आसपास या फ्लोर पे या वॉशिंग मशीन के ऊपर, जहाँ पर भी गंदा लगता है मैं साफ़ कर देती हूँ। क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है तो बार बार मुझे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब वैसे तो मैं हर जगह की डस्टिंग डेली बेसिस पर करती हूँ, बट जो भी अप्लायंसेस वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं उन्हें मैं कोई ना कोई एक टाइम देती हूँ। जैसे आज मुझे इस प्रिंटर को क्लीन करना था, लगभग 1 हफ्ता हो चुका है और मैंने इसे क्लीन नहीं किया। आज अच्छे से इसकी क्लीनिंग करेंगे, जो भी इसके अंदर धूल मिट्टी रहेगी उसे भी अच्छे से क्लीन कर देंगे। तो इस तरह से जब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को थोड़ा सा 2, 4, या 10 मिनट का टाइम देते हैं तो वो चीज़ अच्छे से क्लीन भी हो जाती है और एक लंबे टाइम तक हमें वापस से उसे क्लीन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। टेबल के नीचे वाली शेल्फ में भी काफ़ी सारा सामान रखा है, तो यहाँ पर भी धूल मिट्टी जमा हो गई थी, तो इन सारी चीज़ों को मैंने बाहर निकाल कर थोड़ा बहुत क्लीन करा और उसके बाद जो भी टेबल की नीचे की शेल्फ थी उसे भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। जो भी पेपर रखे हैं वो प्रिंटर से रिलेटेड हैं और इस तरह की एक बास्केट मैं यूज़ करती हूँ इलेक्ट्रॉनिक का जो भी छोटा मोटा सामान होता है उसे रखने के लिए। इससे भी चीज़ें साफ़ सुथरी रहती हैं और सारा सामान एक ही जगह पर है, तो जब भी लेना हो हमें सिर्फ इसी बास्केट को ओपन करना रहेगा। तो यहाँ की क्लीनिंग अच्छे से हो गई है और वापस से मैंने बास्केट को अरेंज कर दिया, जो भी यहाँ से रिलेटेड सामान था वो भी अच्छे से रख गया है। अब मुझे 1-1.5 हफ्ते तक यहाँ की देखभाल नहीं करनी पड़ेगी। छोटी मोटी साफ सफाई तो मैं डेली बेसिस पर करती ही रहती हूँ।
और आज मैंने उठाया है थोड़ा सा बड़ा टास्क, ये जो अंडर कैबिनेट्स होते हैं जो मेरी वॉश बेसिन एरिया में है, तो ये वाला काफ़ी टाइम पहले मैंने क्लीन करा था, आपके साथ वीडियो भी शेयर करा था और आपने काफ़ी पसंद भी किया था। आज 3-4 महीने के बाद फिर से मुझे इसकी क्लीनिंग करनी है और इतने दिनों के बाद अच्छी खासी गंदगी इसमें हो गई है, बट उतना गंदा नहीं हुआ है जितना मैं सोच रही थी, क्योंकि इस तरीके से मैं क्लीनिंग करती हूँ और वीक में 1-2 बार अच्छे से इसको थोड़ा बहुत देख लेती हूँ कि कहाँ पर ये ज़्यादा गंदा है, तो वो चीज़ें भी मैं क्लीन कर देती हूँ। बट आज मुझे यहाँ की डीप क्लीनिंग करनी थी, तो उसी प्रोसेस को मैं कंप्लीट करूँगी। मैं अंदर की साइड में मैंने पहले 2 हुक लगाए थे, तो यहाँ पर एक ये क्लीनिंग ब्रश और एक माइक्रोफाइबर ब्रश अच्छे से हैंग हो जाते हैं, और साथ में मैं इस तरह की जो भी बास्केट्स वगैरह होती हैं उनको भी यूज़ करती हूँ। इनसे काफ़ी हेल्प मिलती है सामान को सेग्रीगेटेड रखने में। ये वाली बास्केट मैंने डीमार्ट से परचेज करी थी, 4 साल हो गए हैं लगभग मुझे इसे यूज़ करते हुए। साबुन के जो इस तरह के डब्बे होते हैं मैं उन्हें भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर लेती हूँ, जो भी छोटा मोटा सामान होता है वो इनमें बहुत अच्छे से आ जाता है। इस तरह की छोटी छोटी ट्रिक्स को फॉलो करके हम बहुत अच्छे से अपने स्पेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और इस तरह की बास्केट्स का यूज़ करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल इसी तरीके से बाकी का जो भी ये सामान देख रहे हो आप, इन सबको भी मैं छोटी छोटी बास्केट्स में रखती हूँ, इससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है। और इस तरह की मेरे पास कई सारी बास्केट्स हैं, तो अगर ये वाला आइडिया आप ट्राई करेंगे तब भी आपका घर काफ़ी अच्छे से साफ और सुथरा रहेगा। अब जैसे ही एक बार सारी चीज़ें बास्केट में अरेंज हो जाती हैं, मैं इन सबको उठाकर इस कैबिनेट के अंदर रख देती हूँ। ये एक रेंटेड अपार्टमेंट है, तो यहाँ पर हमें लिमिटेड चीज़ें ही करनी है और जितना हो सके इन सारी चीज़ों को साफ सुथरा भी रखना है। कुछ इस तरीके से मैंने डोर के ऊपर 2 इस तरह से क्लिप्स लगा दी हैं और उनके ऊपर भी सामान है, सारी चीज़ें अच्छे से अरेंज हो गई। डेली एसेंशियल्स भी यहाँ पर हैं, तो इन्हें भी हम डेली बेसिस पर डोर ओपन करके ले सकते हैं। ये एक मैंने ज्वेलरी पर्स जो होते हैं वो लगा दिया है, तो इसमें जो भी डर्टी क्लीनिंग क्लॉथ्स होते हैं वो सारे रख जाते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट इज ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलती हूँ एक इंटरेस्टिंग से वीडियो में, टिल देन टेक केयर।